मैं सार्वजनिक तौर से कह देता हूं, स्किल मिनिस्ट्री के आदरणीय सेक्रेटरी तथा सभी अधिकारियों का आप आनंद लीजिए। बड़े बड़े फिलोसोफर ने कहा है, ब्यूटी इज देयर, जिसको आप किसी को सुंदर चीज को दिख के आनंद लोगे या ओन करके आनंद लोगे, ब्यूटी उसी में उसको दिख के एंजॉय कर। आईएएस को फिल्म मिनिस्ट्री वाले, ये अपना बच्चा है, इसको दूर से दिख के आनंद ले, बोर्ड में रहो लेकिन उसमें हाथ नहीं लगाना कि मैं मेरा, फिर नोटिस नहीं देना ये प्रॉपर्टी आरओआर फिर मेरा है, ये जमीन मेरा है, रास्ता तो इसे कैसे जाएगा, इसे नहीं करना। आईआईटी अच्छा संस्था, उसको चलाने दे। आईआईटी भी भारत में करती है, आप भी भारत में करते हो, आप उसको उसको चलाने दे। और आईआईटी रोना नहीं, इसको चलाने के लिए 10-15 करोड़ रुपया कहाँ चलाएंगे, और आपको हमने फिर क्यों शरण में लिया। और जो 5 कोर्स आप यहां बनाने वाले हो, मैं तो आप उसमें से आपको मैं अपेक्षा रखूंगा यूपी में आईआईएस और आईआईटी की, और आगे चल के मैं तो आज एक सपना देख, मेरे को हमें मेरे को सपना बहुत अच्छा, नींद मेरे को बहुत अच्छा होता है, नींद में मैं बहुत बड़े बड़े सपना देखता हूँ। मैं एक सपना उसमें दिन में दिख के जो कह रहा हूँ बोल देता हूँ। मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ हो रही है, देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम लोगों ने कमिटमेंट कर लिया है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को मन बनाना शुरू कर दिया है कि आने वाले दिनों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आने वाले 25 साल हमारी अमृत काल होगा, हम देश को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उस 5 में यूपी ने कहा कि मैं एक बनाऊंगा, और यूपी बना सकता है। यूपी तेजी से खुद को री इन्वेंट कर रहा है, तेजी से सारे सेक्टर में, इसीलिए उसकी गंभीरता जब यहां देवराज जी आए हैं तब उसमें से यूपी की सीरियसनेस का कंध। और आपने जो 5 डिपार्टमेंट कोर्स आपने यहाँ शुरू को डिफेंस, तो आज हम डिफेंस के बारे में इतना कहानी सुने, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में यूपी की डोमेस्टिक कंजम्पशन किसी भी कमोडिटी का जितना है अमेरिका का उतना है, उतना यूरोप का है, यूपी का खुद का, बिहार और मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया या नीचे हाफ ऑफ इंडिया नहीं जोड़ रहा हूं, यूपी यूपी का जितना कंजम्पशन है, वे जो बड़े हाई परचेजिंग कैपेसिटी के मार्केट अमेरिका और यूरोप से ज्यादा है। और आप उस उदाहरण में आपको बताता हूं, यूपी में आप कोई सब डिस्ट्रिक्ट को जाइए, यूपी में कोई सब डिस्ट्रिक्ट को जाइए, आप देखिएगा वहां दुनिया की 25 ब्रांडेड कॉमोडिटी के बड़े बड़े मॉल नुमा शोरूम आ चुका है। व्हाट डज इट मीन, भारत की तरक्की हो रहा। भारत में आज यूपी में टूरिज्म की जो फुटफॉल आज यूपी में बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर में उत्तर प्रदेश भी तेजी से बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश हेल्थ केयर में जितना इन्वेस्ट कर रहा है। अब दिल्ली और नोएडा का कंपटीशन देखिए, दिल्ली में भी अब सरकार है तो फुटबॉल खेल रहे हैं, और नोएडा में जो लोग हो आप भाग्यवान हो। नोएडा की पॉल्यूशन लेवल देखिए, क्योंकि यूपी में शासन प्रणाली तेजी से मजबूती से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। उस यूपी में आपने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन तो आप पे तो यूनिवर्सल हो गया, सारे विधा ऑटोमेशन हो रहा, सारे विधा। आप सो के उठने के बाद आप अभी दिन आएगा आप ऑर्डर करोगे, अभी सीढ़ी के नाम पे आ रहे हैं, कभी कोई आपके नाम पे लक्ष्मी के नाम पे, लक्ष्मी चाय लेके आओ, एक रोबोट आ जाएगा आपके पास, आपकी फ्लाइट पे चाय लेके आ जाएगा। आज करो तो चीनी कम डालना, तो सब लैंग्वेज में होगा, मैं आपको कह रहा हूँ भोजपुरिया लैंग्वेज में होगा, ब्रज भाषा की मधुरता के साथ होगा, पंजाबी में होगा, उड़िया में होगा, मलयालम में होगा। उसी रोबोट को आप मलयालम में भी कह सकते हो और आप उसको पंजाबी में भी। ये सारे ऑटोमेशन की दुनिया हम देख रहे हैं, रोबोटिक्स की दुनिया हम देख रहे हैं। यूपी जो मार्केट वो कोर्स आप चलाने वाले हो, हेल्थ केयर के बारे में हमने कहा, और एग्रीकल्चर तो प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी एरिया, उन्होंने कहा कि इस बार अगस्त 15 में कहा है, मैं 15,000 बहनों को एडवांस ड्रोन दूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करेंगे, ड्रोन और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो आधुनिक की
क्यों? ये तो एक विन विन चीज है। इसलिए ये जो आज आर्किटेक्चर बनी है, ये आने वाले दिनों में देश के लिए मॉडल बनेगा, इसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं। ये तो आज कागजी काम हो गया है। खूब शीघ्र हम चाहेंगे इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में, प्रत्यक्ष या रिमोट में, हम उस कैंपस की लैबोरेटरी, उस कैंपस में इसकी टूर शीट, एडमिशन कैसे होगा उसके एक रोबोट व्यवस्था IIT के, कोई एडवांस जैसे मिल सके। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।